जय गुरु। 1952 की घटना है, श्री रामचंद्र जी का दर्शन। श्री रविचंद्र बहादुर श्रीवास्तव एक चीफ इंजीनियर थे, उनकी दीक्षा दिसंबर 1952 में हुई थी। वे भगवान श्री राम के परम भक्त थे। वे 9 जुलाई 1952 में कुछ लोगों के साथ श्री ठाकुर का दर्शन करने देवघर सत्संग आश्रम आए थे। दीक्षा के समय उनके ऋतिक दादा उनसे बोले थे कि श्री ठाकुर ही श्री राम और श्री कृष्ण के रूप हैं। वे सत्संग देवघर में श्री ठाकुर का दर्शन करके उनको साष्टांग प्रणाम किए, किंतु उन्हें श्री राम की छवि श्री ठाकुर में न पाकर घोर निराशा हुई। वे पुनः संध्या के समय दर्शन हेतु श्री ठाकुर के पास आए। श्री ठाकुर उस समय बड़ाल बंगला वर्तमान मेमोरिया के बरामदा में बैठे थे। श्रीवास्तव दा प्रणाम करके कुछ दूरी पर बैठ के थोड़ी देर बाद जब श्री ठाकुर उठकर जाने लगे तो श्रीवास्तव दा को श्री ठाकुर में ही श्री राम की प्रतिमूर्ति दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर उनकी आंखें बंद हो गई। इस घटना के बाद से उनका श्री ठाकुर के प्रति विश्वास दृढ़ हो गया। उसके बाद से वे आजीवन अपने परिवार के साथ श्री ठाकुर से युक्त हुए। और एक आलोचना है, ब्राह्मी शाक उत्सव का समय था। एक वृद्ध माँ दूर असम राज्य से अनन्य गुरु भाइयों के साथ श्री ठाकुर का दर्शन करने देवघर आश्रम आई थी। वो श्री ठाकुर के लिए अपने घर से ब्राह्मी साग लेकर आई थी। आश्रम में लोगों की भीड़ तथा विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य उपहार देखकर अपने घर से लाई हुई साग श्री ठाकुर को देने में संकोच अनुभव कर रही थी। मन खराब करके हरिनंदन दा के जाजन चौकी के नज़दीक उदास बैठी थी। अचानक श्री ठाकुर टहलते हुए जाजन चौकी के नज़दीक पहुंचकर उस माँ से पूछे, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? वो वृद्ध माँ अपने आंचल के नीचे ब्राह्मी साग छिपाने की कोशिश कर रही थी। श्री ठाकुर फिर पूछे, वो साग क्या मेरे लिए लाई हो? ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ लाई हो, दो मुझे। श्री ठाकुर साग वृद्ध माँ से लेकर एक भक्त के हाथ में देते हुए बोले, इसे बड़ी बहू के पास दे आओ और कहना ये साग मैं आज ही खाऊंगा। वृद्ध माँ की आंखों से खुशी के मारे अश्रु की धारा निकल गई। जय गुरु।